इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित सुपर कॉरिडोर पर दूधिया से अंग्रेजी शराब भरकर आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। घटना में ड्राइवर सहित क्लीनर को हल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां लाखों रुपए की शराब रोड पर बहती हुई दिखाई दी। इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही हादसा मंगलवार देर शाम बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित सुपर कॉरिडोर पर देखने को मिला। यहां दूधिया के शराब गोडाउन से शराब भरकर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सुपर कॉरिडोर पर पलट गया। इसके चलते कई घंटों तक जाम लगा रहा। मौके पर पुलिस सहित आबकारी विभाग ने भी ट्रक के कागज चेक किए व अन्य दूसरा ट्रक बुलवाकर शराब की पेटियां खाली कराई। वहीं कई लाखों रुपए की शराब रोड पर बहती भी दिखाई दी। ट्रक गांधीनगर स्थित शराब की दुकान जाते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। फिलहाल ट्रक को क्रेन की मदद से सीधा कर रोड के किनारे खड़ा कर दिया गया है। वही शराब की बची हुई पेटियां दूसरे ट्रक से दुकान पहुंचा दी गई हैं। वेयरहाउस से भर के दुकान को जा रहा था ट्रक। अच्छा, कहाँ से भर के जा रहा था ये? ये दूधिया से जो अंग्रेजी शराब के गोडाउन है, वहाँ से परमिट का माल है हमारा। नहीं तो कहाँ जा रहा था ये? करोड़ों रुपए की शराब। कहाँ पर जा रहा था ये? ये गांधीनगर दुकान जा रहा था। अच्छा, कितनी बजे इसको लगना था वहाँ पर? यहाँ पर इसको लगना था 6:35। सर कब हादसा हो गया ये? ये करीबन 5:30 बजे। सर बताएं, ये जो ये कितनी दुकानों पे इससे सप्लाई होती है इस गाड़ी से? ये तो एक ही दुकान का परमिट रहता है, एक ही दुकान का माल। ठीक, तो ये कहाँ से लेके आए थे आप? ये अंग्रेजी शराब का जो वेयर हाउस है जी, वहाँ से गांधीनगर आ रहा था।